देपालपुर से नगर परिषद देपालपुर के प्रशासक और क्षेत्रीय एसडीएम रवि कुमार सिंह ने सोमवार को देपालपुर नगर के कई क्षेत्रों का आकस्मिक दौरा किया। नगर में मूल सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने पर नगर परिषद देपालपुर पर आए दिन आरोप लगते एसडीएम सिंह ने सोमवार को गुमास्ता कानून की रिपोर्ट जानने सहित मूल समस्याओं को जानने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मूल समस्या जानी, रहवासियों से चर्चा की। गुमास्ता कानून के तहत जिन दुकानदारों ने कारोबार बंद रखे थे उन पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। वहीं तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह के सुझाव पर नगर में पार्किंग और यातायात अधिक बाधित रहने के कारण फुटपाथ पर बसे छोटे हाथ ठेला चालकों के लिए देवी माता मंदिर के पीछे शासकीय भूमि पर हॉकर जोन बनाने के निर्देश सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस को दिया। वार्ड क्रमांक 11 और 13 में ड्रेनेज और पानी के पीने वाले पानी की व्यवस्था समय पर नहीं होने के कारण रहवासियों ने एसडीएम को अपनी समस्या बताई, तो एसडीएम ने तत्काल सीएमओ सोनिस को निर्देश दिया कि जिन वार्डों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा उनका टाइम और वार के साथ जल प्रदाय व्यवस्था की जाए, नागरिकों के लिए सुविधा हेल्प काउंटर बनाया जाए जिसके लिए एक नंबर भी दिया जाएगा जो कि सीधे नगर परिषद देपालपुर से जुड़ी समस्या को फोन कर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। सुविधा हेल्प नंबर पर 8-8 घंटों की तैनाती कर्मचारियों की जाएगी। सुविधा हेल्प नंबरों का बैनर पोस्टर बनाकर गली मोहल्ले के प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि नागरिकों को इसकी सूचना मिले। एसडीएम ने कई जगह ड्रेनेज सफाई की समस्या पर स्वच्छता उप निरीक्षक शैलेश कुराडिया को 3 दिनों में नगर के 15 वार्डों में बेहतर ड्रेनेज सफाई करवाकर लिखित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्र में जितनी भी शासकीय भूमि उनका बाउंड्री वॉल भी की जाए। हम एक बार सफाई करा देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रोज तो कोई आएगा नहीं इससे कचरा बटोरने के लिए, है ना। अपने पूरे देश में अभियान चल रहा है, थोड़ा सा देखो समझदार बनना पड़ेगा। ये कचरा है भाई, एक डब्बा रख ले अपने घर के सामने। भाई सुन ना, कहीं कहाँ डब्बा दिखाई पड़ रहा है आपका? अंदर तो हो गया डब्बा, देखो नहीं, हमारी बात सुनिए, हर चीज की जवाब। एक दिन में 6 वार्ड कर सकते हैं हम, आपको 3 दिन दे रहे हैं। 3 दिन में पूरी प्लानिंग करके आप करेंगे सफाई, उसको लिखित में देंगे किस दिन किस वार्ड में कर रहे हैं आप। अब देखो चमकना चाहिए नालियाँ, ये लगाइए जो उसका वो होता है ना टैंकर पैनल को बाहर, उनको सबको अच्छे से एक बार पंचनामा नहीं चाहिए, हम देख लें वही पंचनामा हो गया, सफाई तो बोलती है। मकान का चेक समझ एक दिन बेचो नहीं आते नहीं है नाली गई तरफ नाली निकाल ये गंदी वाला जो हमारे घर के सामने इतना भाई आपने तो घर में ज्यादा बना के बड़ा कर नाली वाली जगह तो आपने बना लिया पूरा घर ये तो बन जाएगी। चलो आगे तक क्या है नाली, अभी कच्ची नाली तो बना सकते हैं निर्माण के लिए टाइम। इनके पहले नाप कर लेना कितना, आप चुप रहो 5 मिनट, आपकी बात सुनी ना समस्या। मजदूरी करने जाए तो चलो पानी कौन भरे हमारे घर में, फिक्स कर देंगे टैंकर का, नल की व्यवस्था कर दो इतने से आपके लिए नल की व्यवस्था हो रही है, नल की व्यवस्था अगस्त तक होगी, अभी टाइम लगेगा तब तक टैंकर का हम दिन निश्चित कर देंगे, टाइम निश्चित कर देंगे कितने बजे या फिर नल का समय बढ़ा देने वाला है, इधर का आधा घंटे छोड़ दे सीधा छोड़ दे पानी हो सकता है, आधी आधी लाइन थोड़ी है, लाइन तो एक ही है। भैया टैंकर तो इतना लंबा बड़ा है पानी कैसे भरेंगे, टैंकर का मैदान में आता है और हरियर पानी भरने आता है, अभी इधर से पानी लेके आते हैं तो टैंकर खाली हो जाएगा। जाम होता है और समस्या अंदर नहीं जाएगा, बीच बस्ती है सर, लोग महिलाएं भी बढ़िया यहाँ पर, मैं बोल रहे हैं सब्जी मार्केट है, चले गए यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ लेते हैं कहाँ खड़ी करेंगे, तो काफी जगह भी अंदर ही कर लेंगे सर, काफी जगह सर मोटरसाइकिल से आते हैं लोग, अभी हम उधर घूमे नहीं अपने को, जितना ठेले देखी मंडी है वो इतनी जाम कर रहे हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी अगर ठेले सब एक जगह आ जाए। आधार पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इतना अगर
नगर परिषद की जो टीम है भ्रमण किया गया तहसीलदार साहब मेरे साथ और हम लोगों ने उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। जैसे पेयजल के लिए जहाँ जहाँ हमारे टैंकर लगते हैं जो 3-4 वार्ड है उसके लिए हम रोस्टर बना रहे हैं कि दिन निश्चित हो जाए समय निश्चित हो जाए जिससे लोगों को जानकारी रहे कितने बजे टैंकर आएगा वो अपनी व्यवस्था करके चले। इसी तरीके से सफाई के लिए टीम काम कर रही है लेकिन लोगों का नशा टीम हमारे समय पर नहीं आती है उसके लिए हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि जो हमारी सफाई टीम है वो दिन निश्चित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 12-13 नंबर वार्ड है तो सोमवार को टीम आएगी लोग निश्चिंत हैं। अगर वो टीम नहीं आती है फिर शिकायत का प्रश्न पैदा होता है। उसके लिए हमने टीमों साहब से बोला है कि हम एक सुविधा काउंटर या हेल्प काउंटर टाइप का नगर परिषद में शुरू करेंगे जहाँ पर हम 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे। लोग अगर कुछ समस्या है तो वहाँ फ़ोन करके बताएं। सर आज एक हाकर जोन बनाने की भी आपने बात कही। ये शासकीय भूमि पड़ी है जो हमने देखा सब्जी के ठेले वाले और जो फल वाले यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये बताया गया कि मैं तो पहली बार शहर में आया हूँ कि बढ़िया सेंट्रल लोकेशन है ये जी। हमारी शासकीय भूमि है तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे जो सब्जी के चबूतरे वगैरह बनते इस टाइप के बना दिए जाएँ लोगों को सुविधाजनक रहेगा। लोग हमारे जो सब्जी वाले बाहर जा रहे हैं उनके लिए बैठने का स्थान मिलेगा। चलिए ये नया विषय है अभी तक मेरे संज्ञान में था नहीं है। जानकारी खबर भारतवर्ष के लिए देपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।